हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे। तो गाइस, मैं भी बढ़िया हूँ। तो गाइस, फ़िलहाल मम्मा जी घर पर नहीं हैं, वो गए हैं हमारे होम टाउन भद्रवा। तो जिसकी वजह से गाइस आज हम अकेले हैं, हमें खुद खाना बनाना है, सब कुछ खुद ही करना है। उनको तो गए हुए कोई एक हफ़्ता हो गया, लेकिन तब से हम ऐसे ही बैठे थे, तो सोचा क्यों ना आज वीडियो बना दी जाए इसके ऊपर। तो गाइस, अब मुझे खाना बनाने जाना पड़ेगा, क्योंकि कल का खाना भैया जी ने बनाया था। इसलिए देखो, मस्त होके बैठे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं अपनी, मतलब शॉर्ट्स डालते हैं ये उसकी। तो अब खाना मुझे बनाना पड़ेगा आज का, तो मुझे जाना पड़ेगा। आप देख सकते हो रूम की हालत कितनी बुरी है। देखो, हम उठे हैं, आपको पता है जब भी लड़के लड़के घर में होते हैं फिर कैसा सिस्टम हो जाता है, बिल्कुल ही ख़राब। देखो, अभी तक बिस्तरे में बैठे थे, हम उठते ही गाइस 11 बजे हैं। अभी भी 11 बज के कुछ मिनट हुए हैं, शायद से रुकना, 11 बज के 5 मिनट हुए हैं गाइस, अभी हम उठे हैं। तो अब हम जाएंगे। देखो, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ बिस्तरे का। इन्होंने अपना वाला सेफ रखा है नीचे, मेरा वाला देखो कितना गंदा कर दिया है। रात को मेरे साथ ही सोए थे तभी। तो मुझे जाना पड़ेगा खाना बनाने। जा रहे हैं किचन में, चाबी भूल गए, चाबी ली नहीं मैंने। खाना बनाना पड़ेगा। भाई अभी तो पहुंच गए किचन में, बर्तन वैसे के वैसे हैं सारे धोने के लिए। आप देख सकते हो किचन का हाल क्या खराब करके डाल दिया सब कुछ। जब मम्मा जी होते थे ना, तब बिल्कुल एकदम सेट हो गए, मतलब सेट होता था सब कुछ, सिर्फ आओ खाओ निकालो, बस ये काम था। आज बड़ा काम है, देखो इतने सारे बर्तन पड़े अभी धोने के लिए। अभी पहले बर्तन धोने पड़ेंगे, उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाना पड़ेगा। सारे ये देखो पीछे, ये सारे मैंने धोए जितने भी अभी तक हैं। तो वैसे ही जैसे मैंने बर्तन मतलब धोए कंप्लीट कर दिए, तो वैसे ही भैया जी आए, बोलते मैं बनाता हूँ खाना। तो देखो अभी ये बना रहे हैं, आटा गूंद रहे हैं, ये देखो। गाइस, रोटियों से तो बच गया, लेकिन भैया जी ने अब मुझे भेजा है मैगी लाने। आपको पता है जब सिंगल लौंडे होते हैं तो वो मैगी ही खाते हैं, तो मैं जा रहा हूँ मैगी लाने। गाइस, एक काम से छूट गया और दूसरे काम में फंस गया, क्या फ़ायदा, उससे अच्छा रोटियां ही बना रहा होता। लेकिन मुझे लगता है रोटियां थोड़ी मुश्किल होती हैं, आटा गूंदो फिर पेड़ू फिर ये वो बहुत कुछ। उससे अच्छा ठीक है, चलो आराम आराम से, शॉप पे ही तो जाना है आगे तक। फ़िलहाल अभी मैं पहुंच गया हूँ सामान लेके, सामान दे दिया भैया जी को, वो खुद बनाएंगे। अब मैं आ गया हूँ बिस्तरे में, बैठा हूँ इधर मस्त होकर। तो गाइस, भैया जी ने रोटियां बना ली, उसके बाद मैगी जो मैंने लाई थी बोलते तो ही बना, तो मैंने मैगी शैगी सब बना ली, चाय बना ली, मैगी बना ली। उसके बाद अभी अंदर ले लिया है, पानी की बोतल लेने आया हूँ कूलर से भर के। खाना बना लिया गाइस फाइनली, और बज गया एक, 11 बजे शुरू हुए थे और 1 बज गया खाना बनाते बनाते। फिलहाल 1-2 घंटा, उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। अब सीधा शाम का खाना कौन बनाएगा बार बार इतना, इसलिए गाइस मैं सो रहा हूँ। फिलहाल अभी तक सोया था मैं, अभी उठा सीधा, जैसे ही उठा तो छत पे आ गया। मैंने बोला देखता हूँ, मतलब शाम हो रखी है यार, इसलिए भी आया छत पे, क्योंकि मैं सुबह से बाहर ही नहीं निकला था। आपको पता, सीधा खाना बनाया, खाना बनाने के बाद जैसे ही खाया, खाना बनाते ही कोई 1-2 बज गया, फिर सो गया, तो फिर अभी कोई 5 के बज गए हैं। तो अभी सीधा उठते ही छत पे आ गया, तो बस आज कहीं जाया भी नहीं गया आपके भाई को। मैं तो जाते कहीं सोचा था बंतला वाली साइड चक्कर लगाने का, लेकिन नहीं जा पाए। मैंने नानी को लेने जाना था, बट वो आगे हैं, मतलब बुआ वालों के साथ ही आगे, वही लेने चले गए हमसे पहले, तो इसीलिए अब हमारा जाना कैंसिल हो गया। तो इसी के साथ अब इस व्लॉग को कर देते हैं यहाँ ख़त्म। तो अब पीछे व्यू देखो मेरा कितना अच्छा हो रखा है, ग्रीनरी ग्रीनरी कितना अच्छा है।
ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।